इस वीडियो में मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा लेटेस्ट स्प्रिंग 2018 के FAR1 के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 जो कॉस्टिंग के एरिया से रेलेवेंट है। स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ढाका एंटरप्राइजेस डी, और उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक की मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, मटीरियल लेबर और ओवरहेड्स। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन के यूनिट्स भी बताए हुए हैं। साथ में सवाल लिखता है डी इज़ प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, therefore it will like to determine the relationship between production units and cost. कंपनी को प्रोडक्शन के यूनिट्स और कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। रिक्वायरमेंट में बोलता है यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स एंड ओवरहेड्स। अब ये ज़रा आपको गौर करना है कि भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो बोलता है रिलेशनशिप हो प्रोडक्शन के यूनिट्स का और ओवरहेड्स का, कॉस्ट का नहीं, सिर्फ ओवरहेड्स का, ठीक है। साथ में हमें ये बात पता है कि एक चीज़ डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर ओवरहेड्स डिपेंडेंट और यानी कि वाई पर, और प्रोडक्शन के यूनिट्स इंडिपेंडेंट यानी कि एक्स पर आएंगे। चलो ज़रा इसकी वर्किंग करते हैं। हम एक एक्स का या यूनिट्स का कॉलम बनाएंगे, एक वाई का बनाएंगे। एज़ पर फॉर्मूला हमें एक कॉलम एक्स स्क्वायर का चाहिए होगा, ठीक है, और एज़ पर फॉर्मूला एक हमें एक्स वाई का कॉलम चाहिए होगा। वैल्यू ज़रा पुटिंग करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स की वैल्यूज़ हैं 550, 600, 700, 550, 600, 700, उसके बाद है 500, 450 और 400, 500, 450 और 400। इसको एडअप करते हैं 3200, ये हमारा कर जाएगा समीशन ऑफ एक्स, ठीक है। वाई की या ओवरहेड्स की वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। ओवरहेड्स की वैल्यूज़ में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 3240, 3240, 3400, 3800, 3200, 3800, 3200, 2700, 2700, 2700 और 2600। जनाब इसको भी कर देते हैं एडअप, ये है 18940। अच्छा, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू को एक्स की ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं तो डायरेक्टली एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ये फैसिलिटी आपके पास शायद अवेलेबल ना हो, तो आपने क्या करना होगा एक्स की वैल्यू का, यानी कि मिसाल के तौर पर ये जो 400 है, 400 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। ये 450 है, 450 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इन सबको सम किया, लास्ट है एक्स इंटू वाई। तो एक्स की वैल्यू को रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई, अगेन रिपीट करूँ तो एक्स की वैल्यू को रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, और इसका भी कर लिया टोटल, ठीक है। अब जब हमने ये टोटल्स कर लिए तो क्लास में सीखे गए फॉर्मूले के तहत हम अपनी बी की और ए की वैल्यूज़ ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू ढूंढने के लिए एक फार्मूला अप्लाई होता है, वो मैं ज़रा ज़बानी बोल देता हूँ, आप अपने पास लिख सकते हो। वो होता है एन टाइम समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन टाइम्स समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये जो वैल्यूज़ हैं इसके हिसाब से पहले कैलकुलेशंस करता हूँ। एन क्या होता है सर? एन जो है वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो मेरा एन जो होगा वो 6 होगा। अब ज़रा फॉर्मूला अगर लगाएं तो वो है एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई ये रहा, माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ y, ठीक है। ये न्यूमरेटर कैलकुलेट हो गया, डिनोमिनेटर कैलकुलेट करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आता है? n टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर आ गया। और b की वैल्यू निकालने के लिए ये डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, ठीक है, 4.04। अच्छा, उसके बाद अगर हमें निकालनी हो अपनी वैल्यू ए की,
ठीक है, ए की अगर वैल्यू निकालनी हो तो ए की वैल्यू निकालने के लिए समीशन ऑफ वाई ओवर एन माइनस बी टाइम्स यानी कि 4.04 इंटू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन 1002। तो जरा मैं फॉर्मूला अपना लिख दूं, मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो y इज इक्वल्स टू 1002, 1002 जो है वो मेरी फिक्स कॉस्ट है, प्लस 4.04x, x जो है वो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स है और y जो है वो कॉस्ट होगी। 1002 ओवरहेड्स का फिक्स पोर्शन होगा और 4.04 वेरिएबल पोर्शन होगा, ठीक है ना। ये पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड पार्ट आपको बोलता है कि कंप्यूट टोटल प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 650 यूनिट्स। आपको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और आपको ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं 650 यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? प्राइम कॉस्ट में सारी डायरेक्ट कॉस्ट आती है। अब यहाँ पर मेरे पास जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटीरियल है और डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, ये देख लेते हैं कि क्या डायरेक्ट मटेरियल मेरी वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं, जनरली होती है। हम अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो जुलाई 2017 में 1375 का डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ और 550 यूनिट्स बनाए गए। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 1375 डिवाइडेड बाई 550, 2.5 रुपये। अगस्त में 1500 की कॉस्ट पर 600 यूनिट्स बने, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 1500 डिवाइडेड बाई 600, 2.5 रुपये ही आई। इसी तरह दिसंबर टेस्ट कर लेते हैं, दिसंबर में 1000 रुपये की डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में 400 यूनिट्स बने, 2.5 रुपये ही आया। यानी कि मटेरियल की कॉस्ट जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट है और वो है 2.5 रुपये पर यूनिट, ठीक है। हमने कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन के क्लास में तरीके सीखे हैं, जरा उनको रिकॉल कर लो। फिक्स कॉस्ट पे अमाउंट्स कांस्टेंट रहती थी, वेरिएबल पर अगर कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट जो अभी टेस्टिंग करी है वो टेस्टिंग प्रूव होती रहे तो एक कॉस्ट वेरिएबल है। अगर एक कॉस्ट टोटल कॉस्ट है तो ये टेस्टिंग जब हम करते हैं तो इसका आंसर चेंज होता रहता है, अमाउंट चेंज होती रहती है। और अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है तो उसमें ये आपको वाजे तौर पर बीच में नजर आ जाता है कि कहीं पर एक इंक्रीमेंट होता है। मैंने बहुत ब्रीफली बताया क्लास में, ये चारों आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के सवाल हमने किए हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स्ड है, स्टेप फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल, सेमी मिक्स या टोटल कॉस्ट है। अच्छा, 2.5 रुपये हमारी डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट आ गई, तो प्राइम कॉस्ट में हम पहली चीज लिखते हैं अपनी डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट। अब अगर मैं 650 यूनिट्स बनाऊंगा क्योंकि इसको प्राइम कॉस्ट चाहिए 650 यूनिट्स की, तो उसके लिए मैं लिखूंगा 650 इंटू 2.5 रुपये। अब आ जाते हैं हम लेबर पर, डायरेक्ट लेबर भी हमें चेक करना पड़ेगा। 990 डिवाइडेड बाई 500 पहले देख लेते हैं, 990 डिवाइडेड बाई 550 1.8 आता है, 1080 डिवाइडेड बाई 600 देख लेते हैं ये भी 1.8 आता है, 1260 डिवाइडेड बाई 700 देख लेते हैं ये भी 1.8 आता है। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई 650 इंटू 1.8, ये हो जाता है 1170, ठीक है। दोनों का करते हैं टोटल, दोनों का टोटल जो है वो बनता है 2795। ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई इन टोटेलिटी। और इसने ओवरहेड्स भी पूछे, ओवरहेड्स कितने होंगे भाई? ओवरहेड्स में एक पोर्शन होगा फिक्स्ड तो ऊपर से आ जाएगा ये रहा, और एक पोर्शन होगा वेरिएबल। 650 यूनिट्स के वेरिएबल के लिए 650 इंटू 4.04 जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट करी थी, तो इन दोनों को ज़रा ऐड कर देते हैं। इसने हमसे कंप्यूट टोटल प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स कॉस्ट पूछी है, तो ये प्राइम कॉस्ट का भी टोटल हो गया, ये मेरा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम टोटल कॉस्ट भी बता दें तो हम प्राइम को और ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है जनाब। या ये आता है 6423। तो ये एक रिग्रेशन का रिसेंट अटेम्प्ट का 2018 स्प्रिंग का मैंने सवाल सॉल्व किया है, और नेक्स्ट वीडियो में मजीद इंशाल्लाह सवाल सॉल्व कर आपको पेश करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सूनर और लेटर स्प्रिंग 2018 के रेशियोज के सवाल को भी सॉल्व कर आपके सामने पेश कर दूंगा।